श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा। इस प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है और इस व्रत को करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण मात्र करता है उस पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। बुधवार को पढ़ने की वजह से इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ ही भगवान श्री गणेश की पूजा भी की जाती है। वार के अनुरूप ही जो प्रदोष का व्रत किया जाता है व्यक्ति को ठीक उसके अनुरूप ही उसे फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष की पूजा हर माह के त्रयोदशी तिथि को की जाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। बुध प्रदोष व्रत को करने से मनुष्य को संतान से जुड़ी हुई समस्त प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। वाणी मधुर होती है, व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती है, समस्त प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है और सभी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस प्रदोष व्रत में मनुष्य को हरी वस्तुओं का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, हरे मूंग, दुर्वा अवश्य ही अर्पण करनी चाहिए। इस प्रदोष व्रत के दिन व्यक्ति को हरा चारा गौ माता को खिलाने से भी समस्त प्रकार की समस्याएं समाप्त होती हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का हम ध्यान कर लेते हैं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पौराणिक काल की बात है, एक पुरुष का नया नया ब्याह हुआ था। विवाह के अभी कुछ ही समय व्यतीत हुए थे कि उस पुरुष की पत्नी कुछ दिनों बाद ही मायके को चली गई। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद उस पुरुष को अपनी पत्नी की याद बहुत अधिक सताने लगी और वह सोचने लगा अपनी पत्नी को क्यों न लिवा लिया जाए। यह सोचते हुए वह पुरुष अपने ससुराल जा पहुंचा। ससुराल जब पहुंचा और अपने मन की बात उसने सास ससुर के समक्ष रखी, तब सास ससुर ने उस पुरुष को समझाने का अलग अलग प्रकार से बहुत यत्न और प्रयत्न किया। बुधवार के दिन हमने बेटियों को विदा नहीं करना चाहिए, यह बहुत ही अशुभ होता है। बुधवार के दिन बेटी को विदा करने का मतलब होता है विपत्तियों को न्योता देना। पुरुष को समझा समझा के सास ससुर थक कर हार गए, परंतु उसने तो मानो जीत ही ठान ली थी। वह अपने ही जीत पर अड़ा रहा और इस कारण से सास ससुर को विवश होकर के जमाई की बात को मानना पड़ा। बड़े भारी मन से दुखी होकर के सास ससुर ने अपनी जमाई और पुत्री को विदा किया। विदा करते समय बेटी को बहुत सारा धन, धान्य, अनाज और संपत्ति उन्होंने दी। अभी दोनों ही नगर से कुछ ही दूर निकले थे कि उस पुरुष की पत्नी ने कहा, मुझे बहुत तीव्र प्यास लगी है और मुझे पानी चाहिए। यह सुनकर पुरुष बोला, तुम यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करो, मैं पास में देख आता हूँ कि कहाँ मुझे पानी मिलेगा और पानी लेकर मैं लौटता हूँ। यह कहकर वह पुरुष लोटा लेकर के पानी की तलाश में चल पड़ा। वहीं एक विशाल का वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे उसकी पत्नी बैठ गई थोड़ी देर सुस्ताने के लिए। जब बहुत देर हो गई तब पुरुष पानी लेकर के वापस लौटा। जब वह लौटा तब उसने देखा उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ हंस हंस करके बातें कर रही है तथा
उसके लोटे से जल भी पी रही है। यह देखते ही उस पुरुष को बहुत अधिक क्रोध हुआया कि पराये पुरुष से भला वह इस प्रकार से हास्य और व्यंग्य कैसे कर सकती है। इतना सब सोचते हुए वह पुरुष तुरंत अपनी पत्नी के नज़दीक आया। जब निकट पहुंचा तो मारे आश्चर्य के तो उसका कोई ठिकाना ही न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत बिल्कुल उसकी भांति ही दिखती थी। पत्नी तो सोच विचार में पड़ गई कि यह कैसे हो सकता है, एक ही चेहरे के दो दो पुरुष, और इस प्रकार से दोनों ही पुरुष झगड़ने लगे। झगड़ा करते करते वहाँ पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई और वहाँ पर राजा सिपाही भी आ गए। हम सकल के दो आदमियों को देख करके वह भी आश्चर्य में पड़ गए। तब सिपाहियों ने उस स्त्री से पूछा, बताओ तुम्हारा पति इनमें से कौन है। पत्नी तो कर्तव्य मूढ़ सी हो गई थी, मानो वह पत्थर है। वह भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हे महादेव, हमारी रक्षा करो। इसी बीच उस पुरुष को अर्थात उसके पति को भी तुरंत स्मरण हो आया कि उससे भारी भूल हुई है। उसकी सास ससुर ने इस बात को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह ना माना और पत्नी को विदा करा लाया। यह मुझसे भारी भूल हुई है, यह सोचते हुए भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके वह कहने लगा, हे महादेव, हमसे भारी गलती हुई है, मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा, इसलिए कृपया कर मेरी प्रार्थना सुनकर के मेरी मदद करो। प्रार्थना के पूर्ण होते ही दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और इस प्रकार से पति पत्नी दोनों ने भगवान शिव को बहुत धन्यवाद किया और सकुशल अपने घर पहुँच जाए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी व्रत को रखने लगे। चूँकि जिस दिन वह लौट रहे थे वह दिन बुधवार था और प्रदोष का दिन था, इसलिए उन दोनों ने बुध प्रदोष व्रत को पूर्ण विधि और नियम के अनुसार करना आरंभ किया। ऐसा करने से उसे इस जीवन में सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति हुई, दुख, पीड़ा, परेशानी और कठिनाइयों से मुक्ति मिली, जीवन सार्थक हो गया। हे भगवान भोलेनाथ, जैसे आपने उन दोनों ही दाम्पत्य जीवन को जीने वाले पुरुष और स्त्री पर अपनी वरद हस्त को रखा है, ठीक उसी प्रकार से आप हम पर भी कल्याण करना। आप हमारे भी समस्त दुखों और पीड़ाओं का हरण करना। आपको हमारा कोटि कोटि नमन है। बोलो भगवान शिव की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना बुध प्रदोष व्रत की कथा। कल के वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।